हाय दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे बिहार के ऑल यूनिवर्सिटी का बीए में जो लोग भी फिलॉसफी ऑनर्स से अपना बीए कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करें दोस्तों। चूँकि आप लोग जानते हैं कि इसमें हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, माइनर पढ़ने पड़ते हैं और एक होता है MDC, AEC और SEC जैसे टोटल 6 विषय हमें पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों, जिसमें से आज हम बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट के बारे में। मेजर सब्जेक्ट में हमें सेमेस्टर 1 में MJC 1 में हमें पढ़ना है दोस्तों डिडक्टिव लॉजिक। वीडियो में आगे बने रहें, हम आपको बताएंगे कि इस डिडक्टिव लॉजिक के अंदर हमें कितनी सारी यूनिट, कितने टॉपिक पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमें सभी सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको बताया MGC 1 में डिडक्टिव लॉजिक पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होता है पेपर मेजर 1। और सेमेस्टर 2 में हमें पढ़ना है साइंटिफिक मेथड, सेमेस्टर 3 में पढ़ना है इंडियन फिलॉसफी, सेमेस्टर 4 में दोस्तों हमें दो दो पढ़ना है इंडियन इथिक्स भी पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में ही, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है वेस्टर्न इथिक्स और फिर फोर्थ सेमेस्टर में एक और पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी और फाइव सेमेस्टर में पढ़ना है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, क्या रिलीजन। फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है दोस्तों हमें सोशल एंड कल्चर फिलॉसफी, सिक्स में पढ़ना है पॉलिटिकल फिलॉसफी, सिक्स में पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी और फिर सिक्स में ही पढ़ना है ट्रेंड ऑफ योजिक फिलॉसफी, फिर सेवन में पढ़ना है स्कूल ऑफ बुद्धिम, ठीक है, और सेवन में पढ़ना है रिसर्च मेथोलॉजी और फिर सेवन में ही पढ़ना है कॉन्टेम्प्ररी वेस्टर्न फिलॉसफी और एट में फाइनली दोस्तों लास्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है इंडियन लॉजिक एंड इंडियन इपिस्टमोलॉजी पढ़ना है। ये टोटल दोस्तों हमें 8 सेमेस्टर में हमें इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें फाइनली सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। जो मेरा बुक का नाम है डिडक्टिव लॉजिक, यानी जो मेरे टॉपिक का नाम है सेमेस्टर 1 में डिडक्टिव लॉजिक, उसमें आखिर हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। फाइनली दोस्तों हम उस पेज पे आ चुके हैं, देखिए ऊपर पढ़िए यहाँ पे फिलॉसफी सेमेस्टर 1 MGC डिडक्टिव लॉजिक। तो आइए दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है MGC 1 डिडक्टिव लॉजिक थ्योरी, जिसमें हमें टोटल दोस्तों 5th यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5th यूनिट। तो चलिए हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज कितने हमें कवर करने हैं। तो चलिए आइए देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा यूनिट है हम आपको आगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर देंगे, लेकिन आप पहले देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो मेरा है MGC 1 में डिडक्टिव लॉजिक, उसमें फर्स्ट यूनिट में हमें टोटल कितने कवर करने हैं टॉपिक देखिए। पहला यूनिट में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेज ऑफ लॉजिक, हमें पढ़ने हैं किसमें, तो हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक पे। और सेकेंड टॉपिक है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म पोजीशन एंड एग्रीमेंट, ठीक है, और थर्ड में पढ़ने ट्रू एंड वैलिडिटी। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहे, मैं बताऊंगा क्या चीज़ से पढ़ना है और कैसे कवर करना है। सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है पोजीशन एंड प्रोपोजिशन पढ़ना है हमें सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में, एंड दूसरे टॉपिक में पढ़ना है स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फॉर्म्स, ठीक है, और इसी में 2 ही में हमें पढ़ना है बी नंबर वे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट फॉर्म्स और ये थर्ड यूनिट में पढ़ना है टेस्ट ऑफ ट्रू एंड वैलिडिटी टू टेबल, ठीक है। अब चलिए हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वालिटी, एंड 3 यूनिट में हमें सेकेंड टॉपिक पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एंड थर्ड टॉपिक पढ़ना है इमीडिएटली इन्फ्रेंस कॉन्वर्सेशन एंड ऑब्जेक्शन, ठीक है, और 4 यूनिट में पढ़ना है कैटेगरी सिंबोलिज्म सिंबोलिस्टिक रूल्स एंड
फेलसियल, ठीक है। एंड फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है बुलाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोपोजिशन मीन्स डायग्राम न्यू क्यू ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ सिंबॉलिज्म। ये टोटल हमें दोस्तों कितने टॉपिक्स को कवर करने हैं, टोटल 13 टॉपिक्स को दोस्तों हमें करनी है। लेकिन देखा जाए तो टोटल फिफ्थ यूनिट में ये हमारा ये फिलॉसफी मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला भी कुछ हमें मिल जाए बताने के लिए। तो दोस्तों अगर सेमेस्टर टू का भी अगर आपको देखना है कि सेमेस्टर टू का फिलॉसफी का क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो हमारा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अगला वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये देखना है कि किसी का अगर MIC में है अगर फिलॉसफी, तो उन्हें क्या पढ़ना है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हाँ दोस्तों, मैं ये तो बताना भूल ही गया कैसे पढ़ना है, इसके लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का बुक ले सकते हैं, क्योंकि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस लगभग सेम ही हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिलॉसफी का ऑल चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ने को मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।